दुनिया सो रही है, नींद के बारे में मजेदार बातें। हम अपनी जिंदगी का लगभग एक तिहाई हिस्सा सोते हुए बिताते हैं। ये बहुत ज्यादा समय है, लेकिन नींद का मतलब बस आंखें बंद करके सो जाना नहीं है। ये जीवन का एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि हम इकलौते ऐसे स्तनधारी प्राणी हैं जो नींद में देरी करते हैं, और बच्चों को बड़ों से भी ज्यादा नींद की जरूरत होती है। कुछ जानवर जैसे कि डॉल्फिन एक समय में अपने दिमाग के केवल आधे हिस्से के साथ भी सो सकते हैं। नींद एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है। हम चाहे कहीं भी रहते हों या कुछ भी करते हों, हम सभी को नींद की जरूरत होती है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाना, पीना और सांस लेना। पर्याप्त नींद के बिना हमारा शरीर और दिमाग ठीक से काम नहीं कर सकता है। नींद अजूबों और रहस्यों से भरी एक आकर्षक दुनिया है। वैज्ञानिक आज भी नींद के बारे में नई नई बातें सीख रहे हैं। तो अगली बार जब आप कुछ देर आराम करने के लिए लेटें, तो याद रखें कि आप नींद के अद्भुत परिदृश्य के माध्यम से एक यात्रा पर निकल रहे हैं। हम क्यों सोते हैं? सिर्फ आराम से कहीं बढ़कर। नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। नींद के दौरान हमारा शरीर और दिमाग आराम कर सकते हैं और खुद को रिपेयर कर सकते हैं। इससे हमें जागने पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जैसे ऊतकों की मरम्मत करना और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करना। हमारा दिमाग भी काम पर लग जाता है, यादों को मजबूत करता है और दिन की जानकारी को संसाधित करता है। पर्याप्त नींद नहीं लेने पर हम कई नकारात्मक प्रभावों का अनुभव कर सकते हैं। इनमें थका हुआ और सुस्त महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना, खराब निर्णय लेना और अधिक चिड़चिड़ा होना शामिल है। नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। यह हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और स्वस्थ खुशहाल जीवन जीने की अनुमति देता है। नींद के चरण, रात के सफर पर। हमारी नींद केवल एक लंबा निर्बाध समय खंड नहीं है। इसके बजाय यह नींद के विभिन्न चरणों के माध्यम से एक यात्रा है। प्रत्येक चरण की अपनी अनूठी विशेषताएं और उद्देश्य होता है। नींद दो मुख्य प्रकार की होती है, नॉन रेम नींद और रेम नींद। नॉन रेम नींद को आगे तीन चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण नींद का सबसे हल्का चरण होता है, जब हम बस सोने लगते हैं। दूसरा चरण नींद का एक गहरा चरण है और तीसरा चरण नींद का सबसे गहरा चरण है। रेम नींद नींद का वह चरण है जब हम सबसे ज्यादा सपने देखते हैं। हमारी आंखें तेजी से चलती हैं, हमारी सांसें तेज हो जाती हैं और हमारे मस्तिष्क की गतिविधि बढ़ जाती है। हम रात भर नींद के इन अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। प्रत्येक चक्र लगभग 90 मिनट तक चलता है और आमतौर पर हमें प्रति रात 4 से 6 चक्र आते हैं। नींद की कमी, वास्तविक परिणाम, वास्तविक लोग। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोगों को पूरी नींद नहीं मिल पाती है। वे काम करने, पढ़ाई करने या मेलजोल करने के लिए देर तक जागते रह सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नींद की कमी हमारे स्वास्थ्य और सेहत के लिए गंभीर परिणाम भुगत सकती है। नींद की कमी हमारे मूड को प्रभावित करती है, जिससे हम चिड़चिड़े, चिंतित और अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। यह हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी क्षीण करता है, जिससे ध्यान केंद्रित करना, चीजों को याद रखना और निर्णय लेना कठिन हो जाता है। नींद की कमी के शारीरिक परिणाम भी होते हैं। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, जिससे हम बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यह हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के हमारे जोखिम को भी बढ़ाता है। नींद की कमी के परिणामों का एक दुखद उदाहरण चेर्नोबिल आपदा है। जांच से पता चला कि दुर्घटना में ऑपरेटर की थकान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह नींद के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डालता है, खासकर सुरक्षा संवेदनशील व्यवसायों में। खंड 5, जानवरों की दुनिया में नींद, जिराफ से डॉल्फिन तक। इंसान ही अकेले नहीं है जिन्हें नींद की जरूरत होती है। जानवर भी सोते हैं, लेकिन उनके सोने के तरीके और जरूरतें उनकी प्रजातियों, आकार और पर्यावरण के आधार पर बहुत भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जिराफ को केवल थोड़ी देर के लिए ही नींद की जरूरत होती है। अक्सर वे खड़े होकर ही सोते हैं। इसके विपरीत भूरे रंग के चमगादड़ नींद के चैंपियन होते हैं, जो प्रतिदिन लगभग 20 घंटे सोते हैं। कुछ समुद्री स्तनधारी जैसे डॉल्फिन ने सतर्क रहते हुए सोने का एक आकर्षक तरीका विकसित किया है। वे एक समय में अपने दिमाग के एक हिस्से के साथ सो सकते हैं,
जिससे वे हवा के लिए सतह पर आ सकते हैं और अपने आसपास के बारे में जागरूक रह सकते हैं। जानवरों की नींद का अध्ययन करके वैज्ञानिक नींद के विकास और कार्य को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि नींद एक मौलिक जैविक प्रक्रिया है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। खंड 6, नींद और इतिहास, प्रसिद्ध हस्तियां और उनके सोने की आदतें। पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हस्तियों के अपने अनोखे सोने के तरीके और रस्में रही हैं। कुछ अपनी कम नींद की अवधि के लिए जाने जाते थे, जबकि अन्य अपनी लंबी नींद के लिए कुख्यात थे। प्रसिद्ध कलाकार और आविष्कारक लियोनार्डो द विंची के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रात में एक लंबी नींद लेने के बजाय पूरे दिन में छोटी छोटी झपकी लेते हुए पॉलीफेसिक नींद का अभ्यास किया था। फ्रांसीसी सैन्य नेता नेपोलियन बोनापार्ट अपनी कम नींद की अवधि के लिए जाने जाते थे। उनका दावा था कि उन्हें प्रति रात केवल 4 घंटे की नींद की जरूरत होती है। दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के बारे में कहा जाता था कि उन्हें प्रति रात केवल 4 घंटे की नींद की जरूरत होती है। ये उदाहरण बताते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नींद के तरीके बहुत भिन्न हो सकते हैं। हालांकि ये किस्से प्रसिद्ध व्यक्तियों की नींद की आदतों के बारे में दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत नींद की जरूरतें व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं। एक व्यक्ति के लिए जो काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। खंड 7, अच्छी नींद की आदतों का महत्व। अच्छी नींद के लिए सुझाव। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता है। तनाव और चिंता से लेकर कैफीन और स्क्रीन टाइम तक कई कारक हमारी नींद में बाधा डाल सकते हैं। यहीं पर अच्छी नींद की आदतें काम आती हैं। नींद की स्वच्छता उन आदतों और प्रथाओं को संदर्भित करती है जो अच्छी नींद को बढ़ावा देती हैं। इसमें आरामदेह सोने की दिनचर्या बनाना, सोने से पहले कैफीन और शराब से परहेज करना और नियमित व्यायाम करना शामिल है। नींद के अनुकूल वातावरण बनाना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करना कि आपका शयन कक्ष अंधेरा, शांत और ठंडा हो। ब्लैकआउट पर्दे, एक सफेद शोर मशीन या एक आरामदायक गद्दे में निवेश करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। अच्छी नींद की आदतों को अपनाकर हम रात में अच्छी नींद लेने की संभावना में सुधार कर सकते हैं और अच्छी नींद के कई लाभ उठा सकते हैं। खंड 8, सामान्य नींद विकार। जब नींद में गड़बड़ी हो जाती है। जबकि ज्यादातर लोग कभी कभी नींद की समस्या का अनुभव करते हैं, कुछ पुरानी नींद विकारों से पीड़ित होते हैं जो उनके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये विकार नींद को बाधित कर सकते हैं, जिससे दिन में नींद आना, थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अनिद्रा सबसे आम नींद विकारों में से एक है, जो सोने में कठिनाई, सोते रहने या दोनों की विशेषता है। स्लीप एपनिया एक और आम विकार है, जो नींद के दौरान सांस लेने में रुकावट की विशेषता है। बेचैन पैर सिंड्रोम पैरों को हिलाने के लिए एक बेकाबू इच्छा का कारण बनता है, अक्सर असुविधाजनक संवेदनाओं के साथ। नार्कोलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, जो अत्यधिक दिन में नींद आना और अचानक नींद आने का कारण बनता है। अगर आपको संदेह है कि आपको नींद संबंधी विकार हो सकता है, तो स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। वे समस्या का निदान करने और उचित उपचार के विकल्प सुझाने में मदद कर सकते हैं। खंड 9, मदद लेना। नींद विशेषज्ञ को कब दिखाएं? अगर आप रात में अच्छी नींद लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको चुपचाप पीड़ित होने की जरूरत नहीं है। आपकी नींद को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं, जिनमें नींद विशेषज्ञ शामिल हैं, जो नींद विकारों का निदान और इलाज कर सकते हैं। अगर आपको नींद से जुड़ी लगातार समस्याओं का अनुभव होता है, जैसे कि सोने में कठिनाई, बार बार जागना या दिन में अत्यधिक नींद आना, तो अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है। वे आपके लक्षणों का आकलन कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आपको नींद विशेषज्ञ के पास भेज सकते हैं। नींद विशेषज्ञ नींद विकारों के निदान और उपचार के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जिसमें नींद का अध्ययन, दवा और अनिद्रा के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, जिसे CBTI भी कहा जाता है, शामिल है। अगर आप नींद से जूझ रहे हैं, तो मदद लेने से न हिचकिचाएं। आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और सेहत के लिए रात में अच्छी नींद लेना जरूरी है। खंड 10, मीठे सपने, नींद की शक्ति को अपनाना। नींद एक स्वस्थ और पूर्ण जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमारे शरीर और दिमाग को आराम करने और खुद को रिचार्ज करने की अनुमति देता है, जो हमें आगे के दिन के लिए तैयार करता है। नींद के विज्ञान को समझकर और स्वस्थ नींद की आदतों को अपनाकर हम नींद की शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं
और इसके कई लाभों का आनंद ले सकते हैं। नींद को प्राथमिकता देना, लगातार सोने का समय निर्धारित करना, आरामदेह सोने की दिनचर्या बनाना, और अगर आपको नींद संबंधी विकार का संदेह है तो पेशेवर मदद लेना याद रखें। मीठे सपने।